Taxonomy, तो में बिकॉज़ ज़्यादा हम लोग डाउट पूछना है तो अब क्लास स्टार्ट होने के बाद अब कोई डाउट्स नहीं अलाउड होगा अब तुम अपना डाउट्स कालू वालों से बेदांतु बाइजू वालों से सॉल्व कर लेना चलिए सो नाउ वी विल डिस्कस द टर्म्स

सिक्स सेकेंड हुआ आपका टाइम खत्म ओके सो लाइक दैट तो आई वॉन्ट फास्ट तुम लोग मैं तो तुम लोग बोला है क्लास में मम्मी डैडी को भगाओ उस रूम से अब रूम बंद करके माइक ऑन करके रखो किसने मना किया है आप क्यों माइक ऑफ करके घंटा भर लगाते हो हाँ किसी का माइक में प्रॉब्लम है वो आप बंद करके रखना नहीं तो गू 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 ग होता रहेगा ओके बट योर पेरेंट्स शुड नॉट बी देयर नो फ्रेंड शुड बी देयर तो अलग बात है समझे

कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं पॉइकिलो ओके दिस इज कॉल्ड पॉइकिलो एनिमल्स एनिमल्स तो इसका मतलब क्या है सो दिस एनिमल्स कैन नॉट मेंटेन ए पर्टिक्यूलर बॉडी टेम्परेचर समझ हो तो ये लोग अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते फुल स्टॉप देयर ओके देयर बॉडी टेम्परेचर देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज ओके सो देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल टेम्परेचर समझ रहे हो तो इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दीज एनिमल्स के नॉट मेंटेन ए पर्टिकुलर बॉडी टेम्परेचर दे आर बॉडी टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल टेम्परेचर ओके नाउ इफ एक्सटर्नल टेम्परेचर फॉल्स ओके फॉल्स then their body temperature will also fall okay if the external if the external temperature okay rises add bond if the external temperature rises there बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो राइजेस समझ रहे हो तो इफ एक्सटर्नल टेम्परेचर फॉल्स देन देयर बॉडी टेम्परेचर विल फॉल इफ एक्सटर्नल टेम्परेचर राइजेस देन देयर बॉडी टेम्पर विल ऑल्सो राइज समझ रहे हो इसका मतलब क्या है दे

ठीक है तो इसमें आपका एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे लोअर एनिमल्स टू एम्फी टू रेप्टाइल्स रेपटाइल्स रेप्टाइल्स भी आ जाएंगे टू रेप्टाइल्स तो अप टू रेप्टाइल्स आपका आ जाएंगे क्या आपका जो ओके अप टू रेप्टाइल्स आपका ये वार्म कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आ जाएंगे तो अब इसमें एक प्रॉब्लम है अगर टेम्परेचर सब जीरो हो गया तो तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी सब जीरो हो जाएगा तो अगर बॉडी टेम्परेचर सब जीरो हो जाएगा तो वो मर नहीं जाएंगे तो समझ रहे हो सो तो इसीलिए अब उनको क्या करना पड़ेगा दे हैव टू डू उ टू सेव देम सेल्फर अपने आप को वार्म रखे तो दे कैनोट दे कैनोट वार्म देम वो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं दे कैनॉट रेगुलेट देअर बॉडी टेम्परेचर ओके वो कुछ नहीं कर सकते इसीलिए बोलो वॉर्म एनवायरमेंट में हाँ बोलो सब वॉर्म एनवायरमेंट में जाएंगे जहा यस बड़ा हुआ यस मीन्स एक्चुअली दे विल ट्राई टू गो टू एनवायरमेंट विच इज वार्मर है कि नहीं तो वो उस तरह से टेम्परेचर में जाएंगे जहां टेम्परेचर क्या होगा थोड़ा वार्मर होगा अंडरस्टूड सो दिस इज द केस नाउ अब इसका हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं ठीक है सो नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ओके तो उसमें आपके एक तो इसलिए हम लोग यहाँ नोट लिखेंगे नोट नाउ वी विल राइट ए नोट नोट इज ऑलवेज इन रेड पेन तो प्लीज यूज द कलर आई एम राइटिंग तो आप भी वो सेम कलर यूज करेंगे इन योर कॉपी तो इन माई इन माई कॉपीज यू कैन यूज कलर ओके बाकी का करो ना करो आई डोंट बॉदर नाव नोट में लिखेंगे एफ द केस वन ये हम लोग केस वन लेंगे केस वन Case one. Okay, so case one. If the body temperature falls sub zero, if, sorry, if external, if external temperature falls sub zero, then likewise their body temperature. will also become sub zero this will result in their death due to no cardiac and brain activity है कि नहीं तो इसलिए वो मर जाएंगे बेचारे क्योंकि ना तो हार्ट बीट करेगा और ही ब्रेन काम करेगा ओके टू अवॉइड दिस ओके टू अवॉइड दिस व्हाट दे डू टू अवॉइड दिस दे गो फॉर विंटर स्लीप ओके विंटर स्लीप और उसका एक और टर्म क्या है हाइबर हाइबर Okay, so they will go for hibernation. They will hide in places on or under the ground. वो ऊपर भी हो सकता है अगर कोई गर्म जगह है तो या फिर मिट्टी के नीचे. So they will hide in places on or under the ground. Okay, where? The external temperature is enough is enough to maintain at least minimum Kya? cardiac and brain and respiratory act. समझ रहे हो इसलिए ये उस जगह पे जाके छुप जाएंगे चाहे वो मिट्टी के ऊपर हो चाहे वो मिट्टी के नीचे हो जहां आ, आपका टू मेंटेन टू इनफ टू मेंटेन एटलीस्ट मिनिमम कार्डियक ब्रेन एंड रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ओके okay, बाकी सब बंद करने से चलेगा बट इतना एक्टिविटी होना चाहिए नाउ अनदर रीजन फॉर हाइडिंग इज दैट दे आर दैट आर मसल्स ओके देर मसल्स विल बी इनएक्टिव सो दे कैन नॉट प्रोटेक्ट दम फ्रॉम एनी अटैक ओके तो अब जो वो बाहर रहेंगे तो क्या होगा तो ऐसा हो सकता है कि कोई उनको करे, और अगर उनको करेगा, तो वो कुछ नहीं कर सकते क्यों कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके मसल्स इनएक्टिव है सो दे सो दे मेरा रिस्पेक्ट करते नहीं हो

ओके तो प्लीज सी दो वीडियोस देन यू विल नो दैट हाउ मच टू रेस्पेक्ट चलिए तो आप समझ में आ गया तो इसीलिए अगर ठंडा हुआ तो क्या होगा वो लोग विंटर स्लीप में चले जाते हैं इवन अगर आप फ्रॉग का एग्जांपल लेंगे इवन इन केस ऑफ फ्रॉग्स ओके इन केस ऑफ फ्रॉग्स इवन नहीं लिखते हम लोग इनकेस ऑफ फ्रॉग दे यूज देयर स्किन फॉर रेस्पिरेशन ड्यूरिंग हाइबरनेशन समझ रहे हो तो इसलिए हाइबरनेशन के टाइम पे वो लोग क्या होते हैं जनरली आपका रेस्पिरेटरी एक्टिव मिनिमम होगा तो इसीलिए वो अपना लंग सिंस दे हैव सो मेनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन दे विल यूज द स्किन फॉर रेस्पिरेशन अंडरस्टैंड सो यह आपका हो गया केस वन ओके अगर फॉल्स सब जीरो या बिलो जीरो लोअर टेम्परेचर है कि ना कोई जरूरी नहीं कि जीरो के नीचे ही जाए ना केस टू इफ द टेम्परेचर राइजेस ओके इफ द टेम्परेचर राइजेस क्या अब फोर्टी डिग्री सेल्सियस ओके तो आप ये उनके लिए गड़बड़ हो जाएगा तो इफ द टेम्परेचर राइजेस अबब फोर्टी डिग्री सेल्सियस कॉमा देर बॉडी टेम्परेचर विल क्या also rise so their body temperature will also rise and this will result in the denaturation of all enzymes and other proteins ठीक है तो आपका प्रोटीन सब नष्ट हो जाएगा

एंड इसीलिए वो मर जाएंगे सो दिस विल रिजल्ट इन देयर डेथ तो आप ओके सो इन ऑर्डर टू अवॉयड डेथ वो क्या करते हैं देस सो इन ऑर्डर टू अवॉयड डेथ दे गो फॉर समर स्लीप ओके दे गो फॉर समर स्लीप या इसको हम लोग क्या कहते हैं एस्टिवेशन, ओके समर स्लीप और एस्टिवेशन फुल स्टॉप दे हाइड इन लोकेशन अब और अंडर द ग्राउंड ओके जैसे आपका हम ही लोग को देख लो ना हम लोग तो ब्लडेड हैं, फिर भी जब बाहर गर्मी होता है मन क्या करता है कि बाहर धूप में खेले ना घर में आके एसी में छुप जाए तो जैसे ही आप बाहर सब... से घूमते फिरते घर पहुंचोगे तो ऐसे लगेगा जैसे स्वर्ग में आ गए हो है कि नहीं सो दैट इज द कंसेप्ट तुम सोचो हम लोग रेगुलेटर हैं फिर भी हमें ऐसा लग रहा है तो उन विचारों का हाल सोचो कि जो कि देखो आप जब घर माने व्हेन यू आर आउटसाइड एट 37 एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट वाज़ योर बॉडी टेम्परेचर 37 व्हेन आउटसाइड इट इज माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन सियाचिन ग्लेशियर व्हाट इज़ बॉडी टेम्परेचर ऑफ दी सोल्जर्स 37 तो इसीलिए हम लोग का बॉडी 37 मेंटेन कर सकता है चाहे हम सियाचिन में घूम रहे हो या चाहे हम खोलते हुए धूप में खेल रहे हो बट फिर भी हमारा मन करता है कि कहीं जाके छुप जाएं, कहीं ऐसे जगह मिल जाए विंटर में कि थोड़ी गर्मी हो कहीं थोड़ा आग उग लगा हो या गर्मी में ऐसा कहीं हम घर में जाके थोड़ा ए सी लगा के बैठ जाए यू इमेजिन वी कैन रेगुलेट इट बट स्टिल वी आर सो मच बॉदर्ड तो देन वट इज सिचुएशन ऑफ दोज पुअर एनिमल्स हु So they hide in locations above or under the ground uh, in such places where the temperature is kya? where the temperature is less enough for all bodily activities. Okay. So all bodily activities

and you are making 1 inch burrow then what will happen if you go to 55 degree centigrade what will be the depth of the burrow will it remain 1 inch ya aap thoda aur gadda khodoge थोड़ा और yeah. क्यों, थोड़ा और क्यों? थोड़ा क्योंकि, थोड़ा थोड़ा क्योंकि शायद वहां थोड़ा भी जो temperature उतना गर्म हो तो हमें एक ऐसे जगह जाना है जहाँ कम से कम minimum basic activities हो सके हैं. है कि नहीं तो मिनिमम बेसिक एक्टिविटीज हो सके एंड प्रोटीन को हमारे कोई खतरा ना हो अंडरस्टैंड सो दीज आर द टर्म्स और भी ब्यूटीफुल टर्म विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेगुलेशन इज व्हाट तो उसमें हम एक और टर्म ऐड करेंगे दैट जो हमने समस्या डिस्कस कर लिया विंटर सिर्फ डिस्कस कर लिया तो दे आर आल्सो कॉल्ड थर्मो कॉन्फॉर्मर्स ओके थर्मो कॉन फॉरमर्स ओके सो दीज आर कॉल्ड थर्मो कॉन्फॉर्मर्स सिंस दीज एनिमल्स ओके सिंस दीज एनिमल्स cannot regulate body temperatures of their own they conform okay to their surroundings okay so they conform to their surroundings hence

rises above tolerance level they conform in surroundings okay which will help them to achieve yeah, at least at least a basic level of activity

धूप में प्रोटीन एंजाइम्स को टेंशन होता है तो इसलिए वो ऐसे जगह पे जाके छुप जाएंगे जहां रहने से उनका बॉडी टेम्परेचर उतना हो जाएगा कि वो खतरे से खाली हो जाएगा क्लियर? सो दिस इज थर्मो एक और खूबसूरत टर्म हम लोग यूज करेंगे सो हियर यूज अनदर टर्म यू हर्ड अबाउट बास्किंग सर धूप में सेकना यस वेरी गुड सो दैट इज कॉल्ड धूप में सेकना सो दिस इज कॉल्ड बास्किंग सो जनरली आपका कोल्ड ब्लड एनिमल्स तो दिस एनिमल्स एनिमल बास्क इन द सन इन द मॉर्निंग टू Raise their body temperature. Okay, though these animals bask in the sun in the morning to raise their body temperature so that they can do some activities like uh, capturing food. एटसेट्रा ओके okay, तो अब ऑलरेडी उनका बॉडी टेम्परेचर लो हुआ पड़ा है तो इसीलिए अगर बॉडी टेम्परेचर लो है या बहुत ज्यादा हाई है तो बहुत ज्यादा हाई है तो मर जाएगा वो तो कोई टेंशन ही नहीं है बट अगर टेम्परेचर बहुत लो है तो क्या होगा आपका मस्कुलर एक्टिविटी होगा ही नहीं तो जब आपका मस्कुलर एक्टिविटी होगा ही नहीं तो उस केस में क्या होगा तो इन दैट केस दे So, इसीलिए वो क्या करता है वो धूप में आ जाते हैं जब सुबह सुबह कहीं भी थोड़ा सा धूप निकलेगा तो वो बाहर आ जाते हैं तो जब बाहर आ जाते हैं तो वहां आके वो लोग क्या करते हैं अपना टेम्परेचर को थोड़ा रेज कर लेते हैं जैसे ही टेम्परेचर को रेज कर लेंगे वो लोग एक्टिव हो जाएंगे अब वो थोड़ा खाना पीना खा सकते हैं ओके okay, एटसेट्रा तो देख रहे हो सो आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स पे ही हमने एक पेज लिख दिया

Because I will not allow you to join after 20 minutes. 20 minute is last barrier. aapka cut jayega wo alag baat hai But you are not allowed to join after 20 minutes. आप क्या वो पकड़ा-खाड़ा खाके सो सा के class करने आ जाते हो ना क्या? चले. So next point is that uh, any such cases again I am warning all students. जो लोग का cut कट कटा जाएगा आप काइंडली यू विल इन्फॉर्म योर मॉनिटर ऑल ऑफ यू शुड हैव द नंबर ऑफ योर मॉनिटर योर मॉनिटर्स आर पायल एंड तेजस आई एम श्योर है कि नहीं पायल एंड तेजस सो आप बॉयज बॉयज विल कीप द नंबर ऑफ तेजस गर्ल्स विल कीप द नंबर ऑफ पायल तो आप उनको टेक्स्ट करेंगे कि मेरा कट गया प्लीज अलाउ करो तो दे विल इन्फॉर्म मी सर इसका कट गया अलाउ करो

ठीक है चलो तो आप फिर वो कॉल करेगा क्योंकि मैं जब तक वो रिक्वेस्ट नहीं करता मैं उसको अलाउ नहीं कर सकता तो इसीलिए ही टू इन्फॉर्म एनीबडी जिसका कट जाएगा आप इन्फॉर्म करेंगे अपने मॉनिटर्स को बिकॉज यू नो ये जो फ्लक्चुएशन होता है क्लास डिस्टर्ब होता है आपका सिस्टम हैंग होता है मेरा ठीक है आप देख रहे हो अभी मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता मुझे फिर चेंज करके लिखना पड़ता है चलिए सुना वी विल गो फॉर वार्म ब्लडेड ओके वार्म ब्लडेड एनिमल्स या इसको हम लोग क्या कहते हैं होमोर्मिक एंड नोबडी इज गोइंग टू कॉल योर मॉनिटर्स ओके आई डोंट वांट टू हियर एनी बडी नॉइज इफ मॉनिटर डू मिस्टेक आई विल रिमूव देम फ्रॉम क्लास समझ रहे हो इसलिए क्लास के बीच में मुझे अभी कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं तो मैं उनको क्लास से भगा दूंगा फाइन तो इसलिए प्लीज डोंट इफ मॉनिटर्स आल्सो यू विल नॉट टेक कॉल्स विल ओनली टेक व्हाट्सएप प्लीज हेल्प योर मॉनिटर्स डोंट डिस्टर्ब देम वो भी स्टूडेंट्स हैं उनका भी कैरियर है तुम्हारा अकेला का कैरियर नहीं है तो मॉनिटर्स को कोई परेशान नहीं करेगा आप उनको टेक्स्ट करेंगे कि मेरा कट गया प्लीज सर को बोलो बस और कुछ नहीं नो फोन कॉलिंग एनीबडी ओके बिकॉज आई डोंट अलाउ दो थिंग्स चलिए वार्म ब्लडेड एनिमल्स होम्योथर्मिक आपको मालूम है कि मेरा कंटेंट ज्यादा है तो ऑब्वियसली आई विल नीड मोर टाइम अगर आप टाइम नहीं दोगे तो मैं सिंपली कंटेंट काट दूंगा एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने काट दिया अभी देखो इन माय इन माय नोट्स आई हैव 47 टाइप पेजेस ऑफ इंट्रोडक्शन टू आई विल टीच यू ओनली और तो ऑलरेडी मैं सैंतीस पेज काट दिया कि नहीं चलिए तो मैं बोल के काटता हूं चलिए तो इसलिए आर होमियोथर्मिक और समझ रहे हो। तो बहुत लोग पॉइकिलोथर्मिक मतलब कोल्ड बोलेंगे और उससे पहले हमने होमियो लगाया कि नहीं इसलिए याद रखिए। अगर वो होमियोथर्मिक है या होमियो पॉइकिलोथर्मिक है तो ये सारे एनिमल्स क्या है दे आर कॉल्ड ब्लड Now what is warm blooded? So these animals, okay, again Srijal K is coming. So these animals, what? So these animals can regulate their okay, can regulate their body temperatures and maintain. कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर इक्टे ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर्स समझ लो तो दीज एनिमल्स कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एंड मेंटेन ए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर ठीक है कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन बाहर धूप हो बाहर बर्फ गिर रहा है बाहर लावा खोल रहा है कुछ मर्जी हो आपका बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड ओके तो हम लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ओके फॉर एग्जाम्पल Okay, for example, in humans, okay, in humans and other mammals, some some other mammals, because I don't know all body temperature. So in humans and some other mammals, the body temperature is thirty-seven. डिग्री सेल्सियस ओके इेस्पेक्टेव ऑफ कंडीशन ठीक है तो बाहर जैसा हो अंदर जैसा हो हमारा टेम्परेचर कितना रहेगा सैतीस ओके फीवर अगेन डोंट टॉक इन माई क्लास फीवर इज अ नॉर्मल कंडीशन है फीवर एक नॉर्मल कंडीशन है तो क्यों बकवास करते हो क्लास में नॉट अ नॉर्मल कंडीशन बट यू टोल्ड दैट एवरी टाइम 37 डिग्री सेल्सियस प्लीज माइंड योर लैंग्वेज हम लोग वहां क्या लिखे हैं इेस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल टेंपरेचर नॉट बॉडी टेंपरेचर तो यहाँ मैं टेक्सोनोमी पढ़ा रहा हूं मैं आपको इम्यूनोलॉजी नहीं पढ़ा रहा इधर तो यू विल कंट्रोल योर डाउट्स टू ओनली टेक्सोनोमी तो यहां आपको एक्सटर्नल टेम्परेचर लिखा है ना बॉडी टेम्परेचर लिखा है इधर तो आप नॉर्मल में अब नॉर्मल घुसाओगे तो पढ़ोगे कैसे सो प्लीज कंट्रोल योर डाउट ओके बिकॉज ये यही सब तुम बकवास जो सीख कर आए हो नीचे क्लास से यही गंध आपको हटाना है कि प्लीज फोकस फोकस ऑन द टॉपिक ओके okay, दिमाग चार दिशा में चलेगा तो मेन चीज गायब हो जाएगा फिर तुम भी बाइजू हो जाओगे या वेदांतु हो जाओगे चलिए सो इसीलिए अगेन नो बट नो आई एम नॉट टीचिंग हियर आई एम टीचिंग डिजीज नाउ आई एम टीचिंग डिजीज नाउ क्या बॉडी रहे टीचर कर कर है तुम अब जब बीमार हो जाओगे तो वो नॉर्मल है मैं भी नॉर्मल पढ़ा रहा हूं ना बीमारी वाला पढ़ा रहा हूं प्लीज माइंड द डेफिनेशन उस डेफिनेशन को देखो अपना भेजा इधर उधर मत क्या करो उधर आपको सटीक लिखा हुआ है इेस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर नॉट इंटरनल अरे भैया गधा या अंदर तुम बीमार है इसलिए तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है वाई बॉडी टेम्परेचर इज राइजिंग बिकॉज यू कैनॉट रेगुलेट तो जब आप रेगुलेट नहीं कर सकते हो तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये बीमारी है ये नॉर्मल कैसे है चलिए सो इसलिए थिंक ऑलवेज आई हैव टोल्ड यू थिंक बिफोर आस्किंग अब फ्री नहीं बैठे हो कि जो मर्जी आए पूछ लिए चलिए सो इन ह्यूमंस एंड सम अदर मैमल्स द बॉडी टेम्परेचर इज 37 सेवन डिग्री सेंटीग्रेड इन रेस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन समझ रहे हो Now then how it is maintained?